आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजे रजवाड़ों के गढ़ रहे प्रतापगढ़ के भद्री रियासत की, जहां शताब्दियों तक बिसेन राजपूतों ने एक छत्र शासन किया। राजतंत्र से प्रजातंत्र के इस सफर में सब कुछ बदल गया, पर आज भी भद्री की वो आन जिंदा है, वो शान जिंदा है। वर्ष 1926 में राजा राय कृष्ण प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद राजा राय बजरंग बहादुर सिंह जी ने भद्री की गद्दी संभाली। उनका कार्यकाल 1926 से 1947 तक का रहा। 15 अगस्त 1947 में उन्होंने स्वयं इच्छा से भद्री रियासत को भारत में विलय कर दिया। देश के आज़ाद होने के बाद राजा बजरंग बहादुर सिंह ने वर्ष 1956 से 1963 तक हिमाचल प्रदेश के उप राज्यपाल का कार्यभार संभाला। चूंकि महाराजा बजरंग बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वर्ष 1973 में उनकी मृत्यु के बाद राजा उदय प्रताप सिंह को उनका अगला उत्तराधिकारी नामित किया गया। राजा बजरंग बहादुर सिंह के भतीजे राजा उदय प्रताप सिंह धरातल से जुड़े समाज सेवी नेक और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। वह आज 90 वर्ष की उम्र में भी गर्मियों में प्रतिदिन खुद कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन पर सामान्य वेशभूषा में बैठकर रेल यात्रियों को खाद्य पदार्थ, ठंडा पानी आदि का वितरण कराते हैं। राजा उदय प्रताप सिंह की पहचान एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर होती है और वो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। राजा उदय प्रताप सिंह कितने स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार उनकी आयरन लेडी के नाम से विख्यात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कुछ ऐसे मतभेद हुए कि राजा उदय प्रताप सिंह ने भद्री रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। राजा उदय प्रताप सिंह के वर्चस्व के कारण स्थानीय प्रशासन की उनसे बात तक करने की हिम्मत नहीं हुई, तब मजबूरन इंदिरा गांधी को वहाँ सेना भेजना पड़ा। इन्हीं राजा उदय प्रताप सिंह के पुत्र हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कुंडा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। राजा उदय प्रताप सिंह जी को राजनीति से बड़ा ही परहेज था और वह राजनीति से हमेशा ही दूर रहे हैं। यही वजह है कि वह राजा भैया के भी राजनीति में जाने के इच्छुक नहीं थे, चूँकि उनका मानना है कि राजनीति एक ऐसी कीचड़ है जहाँ खुद का ही सम्मान घटता है। बड़े परेशानियों के बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गुरु देवराह बाबा के आशीर्वाद लेने के बाद राजनीति में कदम रखा और मात्र 25 वर्ष के उम्र में ही कुंडा से निर्दलीय जीत हासिल की और आज छोटे से कुंडा का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। राजा भैया के जीवन में देवराह बाबा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सिद्ध संत देवराह बाबा ने प्रभु श्री राम के गोत्र रघुवंश के नाम पर राजा भैया का नाम रखा रघुराज प्रताप सिंह। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, देवराह बाबा ने राजा भैया के पिता को पहले ही बता दिया था कि यह बालक बहुत ही ख्याति हासिल करेगा और प्रभु श्री राम के भांति समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करेगा और तुम्हारे वंश परिवार का मान सम्मान दो गुना कर देगा। राजा भैया को भी अपने निजी जीवन में जब भी कोई परेशानी आती थी तो वह सीधे देवराह बाबा के शरण में ही जाते थे। आज रघुराज प्रताप सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राजतंत्र तो कब का चला गया, पर फिर भी आज कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का जनता दरबार उनके महल में लगता है और सबको वहीं न्याय मिलता है। और यही कारण है कि इस राजकुमार का जलवा राजनीति में भी कायम है, जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।